हेलो गाइस, अभी हम लोग निकल रहे, दूसरा दिन है अपना। और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से गंगेश्वर जाएंगे, गंगेश्वर शिवलिंग। और वहाँ से हम लोग निकलेंगे रात में द्वारिका। अभी हम लोग अपने होटल से चेकआउट किए हैं, अभी हम सब जा रहे हैं यहाँ से। हाँ, लेकिन एक बार और है, एक बार और दर्शन करेंगे महादेव के, श्री सोमनाथ। दो बार हो चुके हैं, मज़ा तो बहुत आया रात में, बहुत आरती में बहुत मज़ा आया। लेकिन क्या करें, आप लोग की नसीब थोड़ी सही नहीं है कि आप लोगों को वीडियो नहीं मिला। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं सोमनाथ। दर्शन तो वापस आप लोगों को नहीं मिलेंगे, पर हम लोगों को मिलेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं हम लोग। दोस्तों, अभी इसी होटल में हम लोग रुके हुए थे कल रात से। बहुत अच्छा खाना मिला है, बहुत अच्छा रूम मिला है, बहुत अच्छी सुविधा मिली है। कम पैसे में हम लोगों को पूरा यहाँ पे व्यवस्था हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पे आइए और अच्छे से यहाँ पे रहिए। और सब चीज़ यहाँ पे वन मतलब एक ही जगह पे, एक ही छत के नीचे आपको सब मिल जाएगा। और रहने के लिए रूम भी मिलेगा, खाने के लिए खाना भी मिलेगा, और घर जैसा पूरा खाना मिलेगा। उपवास के लिए बोलेंगे तो उपवास के लिए मिलेगा, जैसा बोलेंगे जैसा मिलेगा। ये नंबर है, अब ये नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और आइए। देखिए, यहाँ पे घर जैसा खाना मिलेगा। और ये होटल है, घर है पर घर में होटल है, रूम आप लोग को मिल जाएगा। एक ही जगह तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। हम लोग की गाड़ी आई अभी सीएनजी पंप के पास में, सीएनजी खत्म हो गया था हमारी गाड़ी का, तो भाई सीएनजी भरा रहे। ये भाई है हमारे, भाई ने पहले सीएनजी भरा ही नहीं थी, अभी सीएनजी भरा दे। क्या भाई, पहले से भरा के रखनी चाहिए थी ना? ये बात सही है, अभी भराना पड़ता है रास्ते। भाई ने पहले से भरा के नहीं रखे थे, अभी हम लोग आए सीएनजी पंप पे। कौन सा सीएनजी पंप है वैसे? राजमोती पंप। ये कहाँ पे आता है? थोड़ीधार गुजरात। देखो ये आलसी लोग, और वो एक किधर गया, हमारा एक आलसी, एक और आलसी। ये देखो भाई, ये और एक आलसी को दिखाता हूँ। देखो कैसा सो, पूरे रास्ते सोते सोते आया ये बंदा, और यहाँ पे भी सो ही रहा था गाड़ी में, और अभी उठा है। अरे वो सो के उठ रहा मेरे को। कौन सोया था भाई? ये भाई से पूछ लो, मैं सोया था? अरे नहीं नहीं, मैं सोया था। हम लोग गाने सुन रहे हैं अच्छे अच्छे हम बोले के गाने सुन रहे हैं, तुम सो रहे हो और हमको बोल रहे हैं। कुछ बोलना चाहोगे आप? कुछ बोल रहे हैं, क्या बोलते भाई? मेरा भी आवाज फंसा हुआ किधर गले में, गले में आता कल्याण हो गया। हमने सीएनजी भरा ली है, ये हमारे सहयात्री सब
बैठे हैं। हो गई हमारी सीएनजी भर गई गाड़ी की। चलिए चलो दीव हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं गंगेश्वर शिवलिंग, जहां पे पांच पांडवों ने उसे स्थापित किया हुआ था। तो आज वो समुद्र उनका हर वक्त अभिषेक करता है अपने जल अभिषेक से। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जाकर के गंगेश्वर शिवलिंग। ये हम लोग दीव के गेट में प्रस्थान कर रहे आ रहे हैं। हमारे भाई बता रहे ये दीव का गेट, यहाँ से दीव स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग तो कराएंगे आपके दर्शन। हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं गंगेश्वर शिवलिंग। आपको अभी हम दर्शन कराएंगे गंगेश्वर शिवलिंग के। आप देख सकते हो मेरे पीछे मंदिर है, जो कि 15 दिन में यहाँ पे समुद्र खुद आता है शिव भगवान का जल अभिषेक करने के लिए। लास्ट पूर्णिमा के दिन पे 15 दिन पे पानी उतरता था, तभी यहाँ पे जल अभिषेक हुआ। अब 15 दिन के लिए पानी नीचे गया है, फिर भी हम तुमको कोशिश करेंगे कि दिखाने की। आइए, यह है गंगेश्वर शिवलिंग। जैसे कि आप जानते हो ये गुजरात में स्थित है और मैं आपको यहाँ पे दर्शन कराने जा रहा हूँ। आइए दर्शन करते हैं। यहाँ पे समुद्र खुद आते हैं यहाँ पे शिव के जल अभिषेक करने के लिए। ये हमारे नंदी महाराज यहाँ पे विराजमान है, साथ में गणेश जी भी है। गणेश जी भी हैं यहाँ। यह हमारे हैं हनुमान जी। यहाँ काफ़ी पब्लिक भी है, भीड़ भी है। एक्चुअली यहाँ पे पानी नहीं है आज, क्योंकि भीड़ है। नहीं तो इस टाइम पर यहाँ पे पानी रहने के बाद यहाँ पे जल्दी कोई आ नहीं पाता है। ये हमारे पांचों शिवलिंग है, जो कि पांचों पांडव के में स्थापित किए गए थे।
देखो देखो ये बंदा फेस वॉश से फेस कहाँ धो रहा है एकदम कॉर्नर पे। हे नवाब, हे नवाब, नवाब मुँह छुपा रहा है मुँह छुपा रहा है। ये बैग संभालना। जैसे कि अभी हम लोग गंगेश्वर महादेव हम लोग टेम्पल घूम के आए, यही अंकल की गाड़ी में गए थे, इनकी इको कार है और हम लोग आए थे इनकी गाड़ी में पूरा गंगेश्वर महादेव द्वीप से लेके यहाँ तक वापस वेरावल स्टेशन तक आए। अंकल ने हमसे एकदम रिजनेबल प्राइस वगैरह लिया है, बाकी का आगे का अपडेट जो भी रहेगा उनसे कॉन्टेक्ट करने का वो अंकल देंगे आपको। मेरा नाम तलजी भाई है, मेरा नंबर है 97 5। हिंदी में बोलिए ना, हिंदी में नाम बताइए। इनका नंबर है 9727399557। आप जब भी आइए यहाँ पे वेरावल सोमनाथ दर्शन करने के लिए आइए, तो भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या स्क्रीन पे चला दूंगा, और आकर के इनसे कॉन्टेक्ट कीजिए। अच्छे से अच्छे रेट में भाई को आपको बुकिंग करके देंगे, जहाँ जाना है वहाँ पे जाएंगे भाई। और फ्रेंड्स अभी हम लोग वेरावल स्टेशन से द्वारका की ट्रेन आ चुकी है, ये हमारे बगल में खड़ी है, अभी हम लोग इसमें ट्रैवल करेंगे और सुबह पहुँचेंगे द्वारका। द्वारका जी, ठीक है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं इसी, और ये 11:05 पे यहाँ से छुटेगी मुंबई। ट्रेन का नाम मैं आप लोग को बता रहा हूँ, सौराष्ट्र में सौराष्ट्र मेल है ये ट्रेन से हम लोग, और हम लोग का बोगी नंबर है S1 S2। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आप लोगों को सुबह।